दे रहा हूँ, अगला वो रोक रहा है, यही मारूंगा मैं। और आप से साइड लो, साइड लो, पहले साइड। ये फिर से हमने गलत कट ले लिया। तो गाइस ये देखो, हमने गलत कट ले लिया, गलत कट ले लिया हमने। पहले पहले साइड तो लो, इनको निकलने दो, पहले साइड लो, फिर वापस घुमा लेंगे ना। अरे यार गूगल मैप ऐसे ही दिखाता है, ले घुमा लो। तो गाइस ये देखो, ये प्रॉब्लम हो जाती है गूगल मैप के साथ, क्योंकि गूगल मैप जो है वो गलत दिखा देता है। हमें जाना उस तरफ था, देखो सब उस तरफ है, हमें जाना उस तरफ था, लेकिन ये गूगल मैप ने हमें इस तरफ दिखा दिया। इसमें गूगल मैप क्या है, वो थोड़ा इंटरनेट की वजह से या कुछ भी कह सकते हैं, तो उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम होती है। तो सारे अपने जो राइडर भाई हैं सबके सब आ रहे हैं वापस। जब हम गलत रूट पे चले गए थे तो सब पीछे हो गए थे, बट अब सब आ गए हैं और अब हम सही रूट पर आ रहे हैं। ये गूगल मैप की प्रॉब्लम होती है एक्चुअल में, क्या है ना, वो कभी कभी गोल 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 दिखाने लग जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब सही रास्ते पे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो गाइस नोएडा के अंदर तो हम आ गए हैं और हम अपनी डेस्टिनेशन पे भी आ गए हैं फाइनली। अब बाइक्स को लगाते हैं, जगह देखते हैं कि कहाँ पे अपने को जगह मिल सकती है। तो गाइस फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। ये तो टेढ़ी हो गई यहाँ पे, नहीं तो साइड ही लगा देता हूँ ना, साइड स्टैंड ठीक है। तो गाइस फाइनली आ गए हैं, ये हम देख सकते हैं HD नेक्स्ट होको इंडिया। सारे के सारे राइडर्स अपने आ गए हैं। तो गाइज ये है होको इंडिया, जो कि इन सब चीज़ों में डील करती है, आप देख सकते हैं। वेलकम्स ऑल द राइडर्स, इन्होंने ये स्पॉन्सर करवाया था, तो ये इनकी एसेसरीज वगैरह हैं, इसमें ये लोग डील करते हैं।
गाइस जो आज की हमारी राइड थी वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे जो फंक्शन था वो भी कंप्लीट हो गया है। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, आज का डे अपना इतना ही था, तो अब निकल रहे हैं घर के लिए। ये रहे अपने कार्तिक भाई, ये रहा रवि, चलो। तो गाइस आज का जो डे था अपना वो यही था, तो अब अपन चलेंगे घर अपना ये डी एंड डी से होते हुए। पहले तो मैं कार्तिक को पकड़ूँ, कार्तिक बहुत स्पीड में चल रहा है। ये देखो मेट्रो यहाँ से ऊपर से जा रही है, नीचे से अपन निकल रहे हैं, बढ़िया मजे ही मजे। गाइस ये आपका डी एंड डी फ्लाईओवर है जो अपना दिल्ली को कनेक्ट करता है, दिल्ली नोएडा के लिए है ये बिल्कुल मस्त है मतलब। लेकिन ये इतना बड़ा है, देखो कितना चौड़ा है, लेकिन उसके बाद भी इस पर ट्रैफिक लग जाता है सुबह के टाइम पे, और जो रात का टाइम होता है तब ट्रैफिक लग जाता है, तो बहुत वैसा है। बाकी ये देखो, ये आंटी ने अपनी चुन्नी पकड़ी नहीं हुई ठीक से, ताड़ियों में आ जाएगी और ये मुँह के बल गिरेंगी, इनको मैं बोल देता हूँ। आप अपना ये दुपट्टा पकड़ के रखो, नीचे आ जाएगा वो। ये देखो अब उन्होंने मतलब छाई के लिए उन्होंने किया हुआ था, बट फिर भी वो रिस्क है कहीं ना अगर उसमें आ गया वो नीचे तो फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए कभी भी आप लोग बैठे, चाहे मैं ये नहीं सिर्फ मैं लेडीज़ को लेके नहीं कह रहा हूँ, लड़के भी ऐसे जैसे तौलिया वगैरह जैसे अपने गांव में सर के ऊपर रखते हैं, तो जो उड़ता है ना, तो अगर हमारे अलॉय वगैरह में फंस जाएगा तो हम मुँह के बल गिरेंगे, क्योंकि हमारे गले में ही होता है, तो फिर उसमें कहीं ना कहीं रिस्क है गिरने का। बाकी आगे जमुना नदी, जय हो। ओ पिट्टू तेता बहुत बोल दे, मुते कहनो संग देने में, रोटी पाया जिन्ना नू अज वरस दे पैसे मंग देने, सानू माड़ा चंगा बोल के बीप चला ले कईया ने, जट दिया मदियां ला के बोटुआ गीत चला ले कईया ने, लीलिया पीलिया चिंटू कैंडी पैर पैर ते बिक देने, नित नमा कोई कसम दे कर दे इक दो कितने टिक देने। गाई जी यहाँ पे पुल बन रहा है, मुझे ही नहीं पता कहाँ पे ये कनेक्ट होगा और ये किस NHAI कुछ हाईवे बन रहा है, बट मुझे नहीं पता ये कहाँ कनेक्ट होगा, तो ये है। बाकी देखो बारिश हुई थी ना बीच में, तो इसलिए देखो कितना जंगल जंगल सा हो गया, अदरवाइज ये पूरा जंगल जैसा कुछ नहीं था यहाँ पे, बट ये बारिश के बाद से इनको काटा पीटा नहीं गया, तो इसलिए। अब यहाँ से अपन चलेंगे एम्स वाला जो है ना बारापुला रोड, बारापुला कहते हैं ना, वहाँ से अभी हम लोग निकलेंगे, ठीक है। यही है शायद NHAI वाला जो काम चल रहा है ना। जय हो, वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह, जो बोले सोने वाले सत श्री अकाल। ये बंद तो नहीं कर दिया ना इन लोगों ने, चलो खुला। ये देखो कुछ बड़ा ही हो रहा है यहाँ पे तो। बाकी ये देखो अपना तिरंगा क्या मस्त लहरा है। मात तुझे सलाम, ओ मात तुझे सलाम, वंदे मातरम। तो गाइस ये आ गया अपना फिर से साउथ एक्स, यहाँ से अब अपन लेंगे अपने घर की तरफ ये ढोलकवा के लिए, क्योंकि सीधा जाएंगे तो नेहरू प्लेस और IIT गुरुग्राम, उधर से तो हम आए थे, तो अपने को लेना है यहाँ पे। बाकी मैं जिसकी बात कर रहा था ना आपको कि ये साउथ एक्स का सीन हमेशा दिखाया जाता है, मतलब दिल्ली की जो भी शूटिंग होगी उसमें ये सीन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, ये आप देखें, मैं इसकी बात कर रहा था। हाँ आपने नोटिस किया होता है, हमेशा दिखाते हैं जब भी दिल्ली की शूटिंग होती है, ये है वो, ये है। बाकी ये फ्लैट्स हैं, यहाँ पे रहती है दीदी। जब मैं आया था, जब मैं घर से निकला था, तब आपको बता रहा था ना कि कौन सा रास्ता कौन सी मेट्रो क्या है, ये अपना गुड़गांव चला जाएगा NH8 की तरफ, ये है वो एयरपोर्ट लाइन जिसकी मैं बात कर रहा था, उस तरफ से जब मैं आ रहा था तो दिखा नहीं पाया था आप लोगों को, ये एयरपोर्ट लाइन देखो, ये एयरपोर्ट एक्सप्रेस, तो ये है एयरपोर्ट लाइन, और जो अपने घर के वहाँ पे है वो थी मजेंटा लाइन, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अपन घर के पास में आ ही गए हैं, मतलब अपना जो घर का एरिया है वो आ गया है। बाकी देखो ये G20 की वजह से पुलिस ही पुलिस हो रही है, ये लोग वैसे भी काम कर सकते हैं ना, इनको ज़रूरी नहीं है कि पुलिस की मतलब कि ये बाकी कुछ करें, ये एटलीस्ट जैसे अभी खड़े रहते हैं ऐसे हमेशा रहे ना, तो दिल्ली में कभी क्राइम ही ना, बट ये ऐसे नहीं रहते ना, प्रॉब्लम तो यही है ऐसे नहीं रहते ये लोग, वैसे अभी G20 है तो इस वजह से रोडों पे वरना फिर चले जाएंगे।
बहुत गलत है ये सब, जो इनका काम है वो ही करते ही नहीं। देखिए पुलिस का काम है लोगों की हेल्प करना, बट इंडिया में उल्टा पुलिस दे रही है। देखो एयर इंडिया, ये देखो कितना नीचे से जा रही है। ये अब यहाँ पे लैंड करेगी अपना T3 एयरपोर्ट यहीं पे है, तो यहाँ पे लैंड करेगी अभी। ये देखो पूरा इन्होंने बढ़िया कर दिया G20 की वजह से। तो ऐसे होती हैं चीज़ें, ऐसे ठीक हो जाती हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, या तो ये कुछ बांट रहे हैं, चलो चलो ये देखो लड़ रहे हैं। क्या हो गया, शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। समझ पार करी, हाथ दे रहा हूँ मैं सर, हाथ दे रहा हूँ, अगला वो रोक रहा है, यही मारूंगा मैं। और आप समझ गया, कोई नहीं यार, देखो फालतू की लड़ाई मत करो, आराम से बात करो। सुनो सुनो सुनो, आराम से बात सुनो, मेरी 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 सुनो, मेरी सुनो, मेरी सुनो, मेरी सुनो। बाकी की जो रोड पार करी ना, बाकी की जो रोड पार, नहीं वो आ जाते तो लगी होगी तो हाथ दे रहा हूँ, बाकी बंदों को हाथ दे रहे हो। नहीं नहीं लगी तो नहीं ना किसी के यार, मैंने बाइक रोकनी, आराम से बात दे रहा हूँ, आराम से बात कर रहा हूँ, आधी रोड को हाथ दे रहा हूँ। समझ गया, समझ गया, समझ गया, कोई बात नहीं, मुंह करके चल दिया आधी रोड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इतनी सुनो सुनो, मेरी बात तो सुनो भैया, भैया हम नहीं, भैया छोड़ो नहीं, हम तो रोकेंगे स्कूटी। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, आप दोनों सब में अंदर जाने आज ही समझ बात। अरे यार तुम यार सुनो, सुनो तो सही, मेरे भाई भाई यार, तुम में से यार कोई क्या लेगा, तो एक तो चुप भाई 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 भाई, किसको बुला ले भाई, बुला ले किसको, बुला किसको, जो भी होगा यार। सुनो यार सुनो, आधी रोड पार कर रहा था यार, जो कोई नहीं ना, वो पागल है, छोड़ो ना भैया, कोई बात नहीं ना, यही पता लग जाएगा। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, कोई नहीं, जा जाने दो यार, छोड़ो, कोई कोई नहीं, कोई नहीं यार, छोड़ो भैया, अपना समय खराब मत करो, अपना जाओ आराम से ना। नहीं वो तो है ही, कोई नहीं कोई नहीं, जाओ भैया, चलो ठीक है, आराम से पहुंचो घर। तो गाइस ये देखो ऐसे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं रोडों पे, वैसे ही अलाउड नहीं है रोड। नहीं नहीं वो तो है ही, कोई नहीं कोई नहीं भैया, मूड खराब मत करो अपना, चलो। तो गाइस देखो ऐसे होते हैं रोडों पे लड़ाई झगड़े, कोई नहीं हमने सुलझा दिया इनका लड़ाई झगड़ा, ठीक है। अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो G20 समिट के उसमें ये आपका ये मूर्तियाँ लगाई हुई हैं, ये आप देखें G20 के उसमें, ये हमारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं जहाँ तक मुझे पता, बाकी देखो सब जगह पुलिस ही पुलिस है। ये सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि G20 समिट है। अब बाकी मैं एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ जिसकी वजह से विवाद होता रहता है हमेशा। उसमें क्या होता है कि भगवानों को लेके हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाना, ये सब वही जो ये करते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो सारे ये इतने सारे कंट्रीज के लोग आ रहे हैं ना अपने यहाँ पे, तो झंडे लगा दिए, पूरा एकदम सुंदर बना दिया। ये देखो देवी देवता हैं हमारे, ये देवी देवता हमारे लगा दिए गए हैं। और वहाँ पे देखो, वो आपको दिखाई दे रहे होंगे, देखो शिवजी शिवलिंग जो होता है ना, उसमें से फाउंटेन लगाया इन्होंने। आ जा बैठ, चलो। तो ये चीज है, ये देखो कितना सुंदर बना दिया इन्होंने। लेकिन ये हमेशा ऐसा रहे तो ही मजा है, खैर अब तो ऐसा ही रहेगा क्योंकि ये तो आर्मी का एरिया, तो यहाँ पे तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो अच्छा ही रहेगा। बाकी चलो हमें ये बच्चा मिल गया, अपन इसकी भी हेल्प कर देंगे। ये देखो गाड़ियाँ, आर्मी, ये देखो कितनी तेज़ी से काम हो रहा है, ऐसे खींच के काम करते हैं ये लोग, जब भी इनके ऊपर प्रेशर आता है, और वैसे कुछ काम नहीं करते। सब जगह पुलिस ही पुलिस है, काम ही काम हो रहा है। चलो भाई को बताया, पहले भाई को छोड़ते हैं। कहाँ से आ रहे हो तुम? मैं घर से, मेट्रो स्टेशन जा रहा हूँ।
कहाँ पे? यही है सदर मेट्रो। सदर मेट्रो पे जाएगा? हाँ। तो यहाँ पे कहाँ रहते हो? अंदर? हाँ यही रहता हूँ। ओके तो इस बच्चे को अपन छोड़ेंगे सदर मेट्रो स्टेशन पे, फिर वहाँ से अपन निकलेंगे अपने घर के लिए। ये आ गया मेट्रो स्टेशन, यहाँ पे इसे जाना है, फिर यहाँ से चला जाएगा, उसके बाद अपन जाएंगे घर। ठीक है, चल चल। हाँ आप डालो राहुल मीणा व्लॉग्स 10 करके डालो, दिखाओ मैं डालो। फोन आ रहा है किसी का। तभी मेट्रो से कहाँ पे जाओगे? हाँ? मेट्रो से कहाँ पे जाओगे? नहीं जा रहे, राष्ट्रपति भवन से। अच्छा अच्छा तुम्हारे नेट नहीं चल रहा, नेट चलेगा ना तो यही सर्च कर ले। आ गया, ठीक है चलो, थैंक यू। तो हमें एक सब्सक्राइबर भी मिल गया, ये तो ऐसे ही होता है। तो गाइस चलो चलते हैं घर, आप लोगों की हेल्प करो, लोग आपकी हेल्प करेंगे। तो गाइस अभी बीच में जैसे हमने उस बच्चे को छोड़ा वहाँ पे मेट्रो, उसके बाद हमें एक और भैया मिल गए थे। और यार फाटक लग गए, निकलो निकलो। निकल गए फाइनली, ये थैंक गॉड उन्होंने रोक दिया यार। चलो निकल गए, वरना फाटक लग जाते, सच में बहुत रुकना पड़ता। अब चलते हैं भाई घर, यहाँ से बच गए यार। मैंने इतनी देर इतना लंबा हॉर्न मारा लेकिन उन्होंने रोक दिया, देख रहे थे ऊपर से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू परमात्मा, उनका ध्यान रखना प्लीज़। उन्होंने हमारे लिए टाइम को रोका, तो उसके लिए थैंक यू। ठीक है, बाकी हाँ मैं आपको बता रहा कि एक भैया मिल गए थे मुझे रास्ते में। तो एक जब भैया मिल गए थे मुझे रास्ते में, उसके बाद फिर मैंने उनको छोड़ा, आर्मी के थे शायद वो, तो मैंने उनको वहाँ पे छोड़ा। उसके बाद तो मैंने आपको दिखाई दिया, कनेक्ट कर ही लिया था। तो गाइस रास्ते में मिल गए हमें केले वाले भैया, केले अपने ख़त्म हो गए थे, क्योंकि ना आज थे ही नहीं, दो थे मैं सुबह खा लिए, अब जिम जाऊंगा तो तब के लिए चाहिए। 30 रुपये भेज दिया, धन्यवाद। अब अपनी डाइट का भी हो जाएगा ना, डाइट कर रहा हूँ, शाम को मुझे बनाना शेक बनाना होता है, तो उसके लिए मुझे चाहिए होते हैं। तो अब केले भी आ गए, तब शाम को मैं जिम जा सकता हूँ, वरना मुझे लेने पड़ते फिर। बाकी गाइस अब घर भी पहुँच गया हूँ मैं फाइनली। तो गाइस अब अपना घर भी आ गया। तो आज का जो व्लॉग था गाइस वो यही था। अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बाकी अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अभी मुझे आपकी ज़रूरत है। तो आप लोग जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, जब हमारे चैनल पे आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस आपसे अब नेक्स्ट राइड पर, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, गुड बाय।